मित्रों, आज बुढ़वा मंगल है और आप सभी को बुढ़वा मंगल पर अनेक शुभकामनाएं। मेरे विद्यार्थी मित्रों, पिछले साल मैंने इसी बुढ़वा मंगल के अवसर पर बुढ़वा मंगल क्यों मनाते हैं इसका महत्व बताया था। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उसमें हम लोग हनुमान जी की भी चर्चा कर लेंगे और कहानी भी हो जाएगी। कहानी विवेकानंद जी के ऊपर है, तो आइए शुरू करते हैं कहानी साहस। प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन की एक घटना का जिक्र किया है जब वे बनारस में रहा करते थे। काशी की उन तंग गलियों को अगर आपने देखा होगा तो आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि वहाँ बंदर बहुत हुआ करते हैं। एक बार विवेकानंद जी को उन्हीं गलियों से होकर कहीं जाना था, जाना जरूरी था। विवेकानंद जी जिस गली से गुजर रहे थे उस गली के बारे में मान्यता थी कि वहाँ के बंदर बहुत बदमाश हैं, वे हर आने जाने वाले को परेशान किया करते हैं। अभी थोड़ी ही दूर पहुँचते हैं विवेकानंद जी कि उन बंदरों ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया। बंदर दौड़ते हैं, किकी आते हैं, लगता है काट ही लेंगे, स्वाभाविक था। विवेकानंद जी तो पहले ही से ही जानते थे कि ये बंदर बदमाश हैं, वे भागना शुरू कर देते हैं। जो ही भागना शुरू करते हैं बंदर और तेज किकी आते हैं और उन्हें दौड़ा लेते हैं, लगता है कि अब बस काट ही लेंगे। विवेकानंद जी और तेज भागते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक अपरिचित सी आवाज सुनाई पड़ती है, ठहरो, इनका सामना करो। और विवेकानंद जी तुरंत रुक जाते हैं, रुककर बहादुरी से डांट लगाते हैं और सारे के सारे बंदर भाग जाते हैं। आपने देखा अभी अभी बंदरों का किकियाना, दौड़ना, विवेकानंद जी का दौड़ना, विवेकानंद जी का भागना, लगता है जैसे बंदर काट ही लेंगे, बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी वहां एक अपरिचित आवाज सुनाई देती है, ठहरो, सामना करो। और विवेकानंद जी रुक कर सामना करते हैं, डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं और बंदर भाग जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह घटना केवल विवेकानंद जी के साथ ही नहीं, केवल बनारस की उन तंगलियों में ही नहीं घटती है, हम आप सभी के साथ इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। अंतर बस यह है कि उनके साथ बंदरों के कारण यह घटना घटी और हमारे साथ विषमताएँ ऐसी हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां ऐसी हैं जो इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है कि हम सामना नहीं कर सकते, छोड़ें, भागें, झंझट कौन मोल लेगा, हम थक जाते हैं, डर जाते हैं, हार जाते हैं और असफल हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्या हम ठहर नहीं सकते हैं? क्या हम रुक नहीं सकते हैं? क्या हम विषमताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते हैं? क्या किसी आवाज की प्रतीक्षा में हैं हम कि कोई कहेगा ठहरो, सामना करो, तब हम भिड़ेंगे? मेरा मानना है कि यह आवाज कहीं बाहर से या कहीं और से आने वाली नहीं है, यह आवाज हमारे अंदर उपजने की है कि चाहे जो मुसीबत आए, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, चाहे कठिन से कठिन स्थिति आए, हम उसका सामना करेंगे, डट कर सामना करेंगे और सफल होंगे। कोई भी अचीवमेंट अगर आप चैलेंज के द्वारा प्राप्त करते हैं तो उसका आनंद अलग ही है, और सिंपल प्रोसेसिंग से प्राप्त करते हैं तो उसमें कोई आनंद नहीं है। सामान्य सड़क पर साइकिलिंग करने में, वहीं उबड़ खाबड़ बाधा युक्त सड़क पर साइकिलिंग करके अचीवमेंट प्राप्त करने में जो अंतर है उसे आप महसूस कर सकते हैं। इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं, आप उनका सामना करते हैं तभी कुछ सीखते हैं और परिपक्व होते हैं। शायद आपको याद हो या ना हो, रामायण का वह प्रसंग जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, उसने हनुमान जी से कहा, मैं तुम्हें समुद्र पार नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। सुरसा नाम था उसका, लेकिन क्या वह उन्हें रोक पाई? हनुमान जी उसके मुंह में घुसे और कान से बाहर आ गए। सोचिए, अगर हनुमान जी डरते और राक्षसी के मुंह में जाऊंगा तो वह मुझे खा जाएगी, सोचिए
अगर हनुमान जी डरते कि राक्षसी के मुंह में जाऊंगा तो मुझे खा जाएगी, तो क्या वह समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर पाते? आपने सुना भी होगा कि उसी सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जाओ, तुम विजय प्राप्त करके लौटोगे, और उन्होंने विजय प्राप्त की। तो देखिए, सुरसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन क्या हनुमान जी के लिए प्रॉब्लम हुई? नहीं, क्योंकि जब उन्होंने हनुमान जी का उत्साह देखा, उनकी शक्ति देखी, उनकी परीक्षा ली, तो उन्हें पास कर दिया और साथ में उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि जाओ, तुम सफल हुए और आगे भी सफल होते जाओगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बहुत ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि समस्याओं की भी अपनी एक जीवनचर्या है। जितनी खुशी हमें सफलता में मिलती है, उससे कहीं अधिक खुशी समस्याओं को अपनी असफलता में मिलती है। सुरसा असफल हुई थी ना, वह हार गई थी ना, लेकिन उसे अपने हारने में इतना आनंद आया कि उसने प्रसन्न मन से हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तुमने मुझे हरा दिया, जाओ तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। परिस्थितियों का हारना, विषम परिस्थितियों का आपसे हारना सिर्फ आपकी ही विजय नहीं है, उन परिस्थितियों की भी विजय है। परिस्थितियां इसीलिए बनी हैं कि वे आपसे हार जाएं, और जब वे आपसे हारती हैं, आप जीतते हैं, तो उनकी भी शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है, आपके साथ मिल जाती है, और वे भी आपके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्रोच करती हैं। कोई कठिनाई जब आपके सामने आती है तो आप कहते हैं बाप रे बाप, ये आफत कहां से आ गई, लेकिन आप विश्वास मानिए, वह आफत नहीं है, वे कठिनाइयां तो स्वयं आपके साथ जुटना चाहती हैं, वे आपके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्रोच करना चाहती हैं, वे आप में अपनी शक्ति भी भर देना चाहती हैं, ताकि आपकी शक्ति और उनकी शक्ति दोनों मिलकर लगें और आपको आपका लक्ष्य अचीव हो जाए। तो इन विषम परिस्थितियों को, कठिनाइयों को आप इस रूप में देखिए कि वे आपकी सहचरी हैं, वे आपकी सहयोगी हैं, वे आपकी साथी हैं, वे आपका सहयोग करने के लिए आई हैं, वे आपको हेल्प करने के लिए आई हैं, वे अपनी भी शक्ति, अपनी भी ऊर्जा आप में संजोने के लिए आई हैं, आप में भरने के लिए आई हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, चाहे जितनी भी बड़ी विपत्ति आपके सामने हो, उन्हें आप अपना सहयोगी मानिए। आप यह मानिए कि उनमें जरूर कुछ न कुछ अच्छी बात है, जरूर वे आपके सहयोग के लिए ही आई हैं, वे आपका सहयोग करना चाह रही हैं, वे आप में कुछ खोज रही हैं, वे आपको परख रही हैं, और अगर आप सफल हुए तो वे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देंगी। मुझे तो लगता है कि बंदरों ने अगर विवेकानंद जी को दौड़ाया नहीं होता तो शायद वे इतने साहसी इंसान नहीं बने होते और न ही इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाते। परिस्थितियां चाहे जितनी भी प्रतिकूल हों, उन्हें फेस करने की सोचिए, उन्हें फेस कीजिए, निश्चित रूप से वे आपकी सहयोगी बनेंगे, आपका साथ देंगी, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, और आप सफल हो रहे हैं और आप सफल होते रहेंगे। तो मेरे विद्यार्थी मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो सुनते रहिए 90.4 IIT कम्युनिटी रेडियो, और अपने भाई मदन गोपाल वेजापुरकर को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं, नमस्कार।